रोहतक जिले के कई गांव में सरकार की अनदेखी के चलते खेल स्टेडियम के हालात बद से बदतर हो गए हैं। जिले के गांव पहरावर में तो खेल स्टेडियम का आलम ये है कि ये स्टेडियम पूरा का पूरा जंगल में तब्दील हो गया है, जंगली घास और झाड़ियों से अटा पड़ा है। गांव के खिलाड़ियों ने दुखी मन से बताते हुए कहा कि वो खेलने कहाँ जाएं, बार बार सरकार और प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। एक तरफ तो सरकार अपनी खेल नीति को देश में सबसे अव्वल बताती है, दूसरी तरफ खिलाड़ियों के खेलने के लिए साफ खेल स्टेडियम भी नहीं है। पहरावर गांव के खिलाड़ियों ने दुखी मन से बताते हुए कहा कि गांव में नगर निगम का खेल स्टेडियम है, जिस पर पिछले 4 साल से ना नगर निगम ने ध्यान दिया है और ना ही खेल विभाग ने। सरकार उनकी सुनती नहीं है। खेल स्टेडियम में जंगली घास और झाड़ियाँ इतनी मात्रा में है कि यहाँ खेलना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के गांवों में बच्चों को सुबह शाम खेलने की आदत है। कई युवक सेना और पुलिस में भर्ती के लिए दौड़ लगाने भी यहां आते हैं, लेकिन मजबूरीवश उन्हें हाईवे पर जाना पड़ता है, जहां हादसे की 100% संभावनाएं होती हैं। खिलाड़ियों ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि खेल स्टेडियम को जल्द से जल्द सुधारा जाए, गाँव के बच्चे यहाँ खेल सके और नौकरी के लिए अभ्यास कर सके। खिलाड़ियों ने कहा कि एक तरफ तो सरकार बढ़िया खेल नीति होने का दावा करती है, वहीं स्टेडियम में कोच छोड़ने की बात भी करती है, लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ कोच और खेल के सामान की बात तो दूर, स्टेडियम के हालात भी अब जर्जर हो चुके हैं। हमारे गांव में इकलौता ये ग्राउंड है, यहाँ इसकी हालत देखो कितनी खराब हो चुकी है। कि गांव के कितने बच्चे हैं जो फौज की तैयारी करते हैं, खेल कूदों की तैयारी करते हैं, सुबह शाम बच्चों को खेलने की आदत तो होती है, पर वो कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ अपनी तैयारी करें। वैसे सरकार कहती है कि हमारी शिक्षा नीति इतनी, वो खेल नीति इतनी अच्छी है, पर देखो यहाँ कहाँ खेल नीति क्या, मतलब कोच छोड़ने की बात हो रही थी, पर ये देखो ग्राउंड की हालत देखो आप, इसके कोच क्या यहाँ भाग भी नहीं सकते, बच्चे इतने कीड़े काटे और जहरीले वो हैं, तो बच्चे कैसे तैयारी करें, कैसे यहाँ खेल लें। तो सरकार से यही निवेदन है कि इसको ठीक किया जाए और इसकी साफ सफाई अच्छे से की जाए, और कोई कोच वगैरह भी जो बच्चों की तैयारी करवा सके उसके लिए यहाँ अलर्ट हो। कोच की तैयारी करने बच्चे हाईवे पर जाते हैं, रोहतक 20-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चमासे का मौसम है जी, आना जाना इतना हानिकारक है, हाईवे पर इतना खतरा रहा है कि बड़क और के करें, मतलब कित क्या तैयारी करें। तो सरकार तो यही निवेदन है कि इस ग्राउंड ने ठीक करो, जिस तरह बच्चे अपनी यहीं तैयारी कर सकें, खतरा टल है। तकरीबन 1 साल हो गया जी, यहाँ 50-60 बच्चे तैयारी करते थे, लेकिन अब गिने चुने 7-8 बच्चे रह गए हैं, इतने दूर दूर बच्चे जाते हैं। खराबी ये इतना झुंड और ये किट, ये झाड़ वो जड़े जाम रहे हैं। हम सुबह शाम प्रैक्टिस करने आते हैं ग्राउंड में, लेकिन अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं हो पाती। हमारे ग्राउंड की आप देख सकते हो कैसी स्थिति हो चुकी है, बहुत खरपतवार जाम चुका है और ये झाड़ी बहुत कटीली झाड़ी है, जिसके वजह से हम सुबह शाम प्रैक्टिस करते थे वो भी अच्छी तरह नहीं हो रही। सुबह बहुत सारे बच्चे आते थे, लेकिन अब हम यही बच्चे रह चुके हैं, कोई बच्चा नहीं आ पाता है। हमारी सरकार से बहुत बार कह चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा। हमारी सरकार से यही गुजारिश है, जल्दी जल्दी हमारे ग्राउंड का समाधान किया जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, और अच्छी तरह साफ सफाई की जाए। आप देख सकते हो दूर दूर तक हर जगह पर झाड़ी जमी हुई है। We'll be right back.